द केरला स्टोरी द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल फिल्म इन 2023। कुछ दिन पहले द फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी इस मूवी के ऊपर एक वीडियो बना था जो इतना वायरल गया कि सिर्फ 4 दिन में इसके ऊपर 11 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए। लेकिन इनका कहना यह है कि इस मूवी की स्टोरी झूठ है और इस झूठ को एक बड़े स्केल में स्प्रेड किया जा रहा है। तो चलिए पहले ये सुन लेते हैं कि उनका इस मूवी के बारे में क्या कहना है। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को बहकाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आखिर। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर अंदर। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं, सिर्फ 3 के साथ। और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए। जो फिल्में दिखाई जा रही है सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। 1994 में इसी केरला में एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन NDF यानी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट को बनाया गया था, जिसके ऊपर आरोप है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो नॉन मुस्लिम लड़के या फिर लड़कियां हैं उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। इसके 12 साल बाद 2006 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के PFI कर दिया गया, और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम समय में पूरी इंडिया में एंड स्पेशली केरला में अपना विंग्स बनाना शुरू कर दिया, जिसमें डॉक्टर्स एंड लॉयर जैसे हर प्रोफेशन के लोग एंड वुमेन, बच्चे एंड स्टूडेंट्स भी शामिल थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इस्लामिक एजुकेशन सेंटर बनाना शुरू कर दिया। तरबियतुल इस्लाम सभा और सत्य सारणी ट्रस्ट, ये दो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी इनके साथ थे। और ये दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसमें खुले तौर पे ये आरोप है कि ये कैसे नॉन मुस्लिम लड़के या फिर लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाता है। और फिर 3 साल बाद 2009 में केरला के कैथोलिक बिशप एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें वो बताते हैं 2009 अक्टूबर तक करीब 4,500 क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया। और फिर 29 सितंबर 2009 में पूरी तरह ये चीज देश के सामने आया जब केरला हाईकोर्ट ने भी कहा कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद जैसी कोई इल्लीगल एक्टिविटी इंडिया के अंदर हो रहा है, और पुलिस को ये ऑर्डर दिया गया कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश किया जाए। इस केस का नाम था शहनशाह वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, आप इसे गूगल में भी चेक कर सकते हो। अब सवाल ये है कि ध्रुव राठी जो रिसर्च में अपने आप को बहुत एक्सपर्ट बताते हैं, उन्हें ये सब चीज क्यों नहीं दिखी। मेरा ये एग्जांपल ले लो, मुझे लगता है मैं कहूंगा मैं नेचुरली टैलेंटेड हूं रिसर्चिंग में, एनालाइजिंग में। ध्रुव राठी के अनुसार ये फिल्म पूरी तरह झूठ है, लेकिन शायद ध्रुव भाई को ये नहीं दिखा। द फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय मेनी ट्रू स्टोरीज। जब एक फिल्म पहले ही ये बता देता है कि दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय मेनी ट्रू स्टोरीज नॉट बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, तो ध्रुव राठी कैसे इस बहस में लग जाता है कि इस फिल्म की स्टोरी रियल नहीं है। और ध्रुव भाई का ये भी कहना है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर VS अच्युतानंदन का एक स्टेटमेंट है जिसका सबटाइटल के साथ छेड़खानी किया गया है। तो ध्रुव राठी आपको तो इसको ठीक से एक्सप्लेन करना चाहिए था। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि VS अच्युतानंदन BJP पार्टी से नहीं थे, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी से थे। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर अंदर, लेकिन फिल्म में तो ये बात कहीं नहीं बोला गया। फिल्म में जो दिखाया गया वो तो ये था, मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। मुझे तो लगता है ध्रुव राठी ने ये फिल्म देखा ही नहीं, जैसे जैसे उनके स्क्रिप्ट राइटर्स ने लिख के भेज दिया वो सिर्फ स्क्रीन पे देख के पढ़ के सुना दिया। क्यों, ऐसा ही चलता है ना आपका काम। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019। स्क्रिप्ट राइटर बदल दो नहीं तो रेपुटेशन बदल जाएगा। आप में से जो जो ये फिल्म देखे वो जानते हैं कि इस फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया कि केरला से 32,000 वुमन को इस्लाम में कन्वर्ट करके ISIS में भेजा गया, बल्कि ये दिखाया गया कि पूरी दुनिया से हजारों लड़कियां उस रेगिस्तान में कैद है। क्योंकि ये मूवी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है तो इसका हर एक सीन हूबहू मैच नहीं करेगा। ये एक सिनेमेटिक लिबर्टी है डायरेक्टर को बताने के लिए, और हमारे पास अपने विवेक है उस मूवी से सही चीज को ढूंढ के निकालने के लिए। इसी बात पर डॉक्टर रिजवान अहमद ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही। जब बॉर्डर पिक्चर बनी थी तो जितने भी उसमें स्टार कास्ट थे, सुनील शेट्टी थे, सनी देओल थे, वो स्टोरी उन पर बेस्ड थी। लेकिन उससे पहले जो गांव के अफेयर चिट्ठी आती है उन लोगों के अफेयर हो रहे हैं, BSF के सुनील शेट्टी रात को अपनी सुहागरात बनाने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के लड़ने के लिए जा रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा तो हुआ नहीं था। ध्रुव राठी भाई, क्या टाइटैनिक के अंदर ऐसा हुआ था? इर्द गिर्द घूमती है कहानी अलोंग विद सिनेमेटिक लिबर्टी। इस वर्ड को समझ लीजिए, सिनेमेटिक लिबर्टी, जो डायरेक्टर का अधिकार होता है।
एक्चुअली में कितने लोग गए आईसिस को ज्वाइन करने इंडिया छोड़कर? सिर्फ 66। अपने पूरी वीडियो में ध्रुव भाटी सिर्फ नंबर्स को काउंट करते रहे और सिर्फ केरला से कितने इंसानों को ब्रेन वॉश करके आईसिस भेजा गया इसके पीछे ही पड़े रहे। इनको सिर्फ हर चीज का प्रूफ चाहिए। भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का? हर एक चीज को ना प्रूफ करना पॉसिबल नहीं होता ध्रुव भाई। इंडिया में हर दिन जो क्राइम होता है क्या सबका प्रूफ होता है? एक बार जरा गूगल में सर्च करके देख लो कि इंडिया में हर दिन कितनी लड़की किडनैप होती है। एक साल में 56,519 और एक दिन में 155 माइनर गर्ल्स किडनैप होती है और 31,677 रेप केसेस एक साल में रजिस्टर्ड किया गया है। और ये सिर्फ रजिस्टर्ड केस है और ऐसे कई केसेस है जो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं होता। ये केसेस तो कभी प्रूफ भी नहीं होता। तो क्या ध्रुव भाई ये भी झूठ है? आप जो इधर उधर से डाटा लेके अच्छे तरीके से कॉम्बाइन करके वीडियो बनाते हो शायद आपको नहीं पता कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को स्टेबलाइज करना लॉ में सबसे डिफिकल्ट चीज माना जाता है। और ध्रुव भाटी ये बता रहे हैं कि क्योंकि एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है तो ये केरला को बदनाम करने की एक कॉन्स्पिरेसी है। तीन लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। ये लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। देश से बाहर रहकर देश के अंदर क्या क्या चल रहा है ये आपको कोई आर्टिकल नहीं बता सकता। अपने आपको रिसर्च में एक्सपर्ट बताने वाले ध्रुव राठी जरा स्टडी आईक्यू चैनल की वरुण जौहरी सर का इस वीडियो को देख लेना। प्रॉपर रिसर्च किसको कहते हैं आपको पता चल जाएगा। आपको ये नहीं पता कि दुनिया की कोई भी एजेंसी ये नहीं बता सकता कि आईएसएस में लड़ने के लिए दुनिया से कितने आदमी गए, जो मर गए या फिर जेल में है, जो पकड़े गए सिर्फ उनका ही डेटा मिलता है। जो आईएसएस में गए और निकल के आ गए उसका डेटा किसी के पास भी नहीं है। इस फिल्म में जो दिखाया गया वो रियलिटी में भी होता है। लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है ये सब बोल के। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। अभी सवाल ये है कि आप ब्रेन वॉश होते ही क्यों हो? आपको नहीं पता आपका गॉड कौन है? तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। थिंक अगर आपको सच में नहीं पता कि भगवान कौन है, श्री राम कौन है, श्री कृष्णा कौन है, तो आपका ब्रेन वॉश कोई भी कर सकता है। रिलीजियस मैटर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये आज से नहीं हजारों साल से चलता आ रहा है, इसलिए आपको आपके धर्म के बेसिक चीजें जानना चाहिए। क्योंकि आजकल के सो कॉल्ड सेकुलर यूथ अपने आपको दिखाते हैं बहुत मॉडर्न लेकिन होते हैं अंदर से खोखले। इसलिए इस मामले में अपने आपको थोड़ा सा मैच्योर बनाओ ताकि कोई भी ऐरा गैरा आके आपका ब्रेन वॉश ना कर सके। और मानना पड़ेगा केरला स्टोरी की मेकर्स की साहस को। मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि मुझे कितना हेट मिलेगा, तो सोचिए उनका क्या हाल है। आपका क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम। मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता।